आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में। नाज़रीन, डॉलीवुड यानि हैदराबादी फिल्मों में कई अदाकारों ने अपनी एक ख़ास पहचान बनाई। इन्हीं अदाकारों में एक नाम अकबर बिन तबर का भी है, जिसने अपने कैरियर की पहली ही फिल्म हैदराबाद नवाब में अपने एक लेंथी डायलॉग के ज़रिए अपनी अलहदा शिनाख्त बनाई और वो फिल्म साजों और शायकीन के पसंदीदा एक्टर बन गए। आज डॉलीवुड यानि हैदराबाद में बनाई जाने वाली हर हिट फिल्म में कॉमेडी तड़के के लिए अकबर बिन तबर को ही कास्ट किया जाता है। दोस्तों, ऐसे होते हैं इनके बर्जस्ता डायलॉग के रोते हुए को भी हंसी आ जाती है, तभी तो इनको कॉमेडी का सरताज भी कहा जाता है और हर फिल्म में इन्हें कॉमेडी करने का भरपूर मौका दिया जाता है। वो अपने नए गेटअप, एक नई तर्स और नई हिकमतों से शायकीन को खूब हंसाते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं अकबर बिन तबर से और जानेंगे कुछ खास बातें और सुनेंगे कॉमेडी आइटम्स। अकबर बिन तबर साहब, इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल किया जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम जानी। में पहली बात तो और मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त सियासत टीवी वालों का, जो हर हमेशा हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री को इंक्रेजमेंट करते जी, जो हमारे को पूछते हैं, हमारे न्यूज़ वगैरह ये वो जो ज़्यादा सपोर्टिंग है हमारे जाहिद अली साहब, आमिर अली साहब, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद के बी जानी साहब, जो एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, अच्छे एंकर भी हैं और सियासत में काफ़ी ज़माने से काम कर रहे हैं। जी जी, तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि आपने हैदराबाद नवाब में जी करियर की शुरुआत की थी और इतना लेंथी डायलॉग जो आपने अदा किया था, इसके पीछे क्या राज है? जो डायलॉग आपने तैयार किया था, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। जानी भाई, ये राज यही है और आज मैं राज खोलूँगा, कुछ बातें ऐसे बताऊँगा जो शायद ही मैं 13 ईयर्स हो गया मेरे को इंडस्ट्री में आके, तो 50 मूवी भी कंप्लीट हुए माशाल्लाह। हाँ, मगर आज सियासत टीवी के ज़रिए मैं आज एक अहम बात भी बताना चाहूँगा इंशाल्लाह, और ज़रूर बताऊँगा कि हमारे नाज़रीन ज़रूर देखेंगे और आज ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह। तो रही बात अकबर बिन तबर का जो डायलॉग था, ये मैं 94 से बोला करता था जी। तो मेरे को स्कूल में मेरा नाम अकबरी था, हाँ, मगर मेरा नाम एक्चुअली मोहम्मद अकबर अली है। तो स्कूल में मेरे को खलनायक के नाम से फेमस था मैं। अच्छा, खलनायक 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 बोलते थे मैं स्कूल में। ज़्यादा लोग, क्योंकि मैं स्कूल में शरारती ज़्यादा था, शहरों की नकल करना, तो मेरे को शहर बुला के बताते थे, मियाँ हमारी नकल करने का ज़रा बताओ कैसा करते। तो आप स्टिक ले लेके, हमारे एक शहर थे प्रिंसिपल खान साहब नाम था उनका, अच्छा, तो उन्होंने कैसा करते थे मैं बताता था। अच्छा, ताहिरा टीचर थे, ताहिरा टीचर कैसा परफॉर्म करते थे वो बताता था। तो स्कूल से ही मेरे को शौकिया था मूवी का, तो मैं कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मैं मूवी में काम करूँगा जानी भाई। तो डायलॉग ये हमारे घर के बाजू कोई अगर फंक्शन हुआ, अच्छा, किसी का सांचक है, किसी के मंजे है, तो 8 दिन से खानदान वाले नहीं आते थे, मगर बाजू वाला बराबर रहता था, वो मैं हूँ। अच्छा, तो उनके घर 8 दिन पहले से आप जो है दावत की प्रिपरेशन और साथ साथ डायलॉग और पानी भी भरते थे घर में उनके। ऐसा है कि उस जमाने वो टाइम पे नला वाला वगैरह थोड़ा दूर रहते थे, घरों में नहीं रहते थे। अच्छा, क्योंकि मैं जो जहाँ पैदा हुआ वो मेरा बॉन्ड जो हुआ वो मेरे हैदराबाद गोलकुंडा खिला। अच्छा, तो सब जिला बोलते कोहिनूर हीरा गोलकुंडे किले में निकला, बिल्कुल लेके चले गए। तो मैं बोला एक नहीं निकला, दो निकला, एक लेके चले गए, एक छोड़ के चले गए। क्या बात है, और काफी तंदुरुस्त हीरा है ये। अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम गरम है। उसके बाद ये बताइए कि डायलॉग जो आप मतलब स्टेज वगैरह पे आप अदा करते थे, तो पहले आपकी मुलाकात किससे हुई और फिल्म लाइन तक कैसे जुड़े? जी जी, मैं ज़रूर आपको ये बात बताऊँगा इंशाल्लाह। देखिए, एक्चुअली मैं पहले स्टार्टिंग डायलॉग वगैरह तो बोलता ही था और मेरे ख़ास दोस्तों के पास ही मैं परफॉर्म करता था। ऐसा नहीं कि कोई उस टाइम पे ऑर्केस्ट्रा वगैरह ज़्यादा चलता था आप लोग का, तो वो हमको तो कोई जानता भी नहीं था और वो ख़रीद भी आने नहीं देते थे उस टाइम पे। मगर टैलेंट था मेरे पास कि मैं एक डायलॉग बनाता था और डायलॉग बोलता था, मेरा खुद का है वो अकबर बिन तबर खुद डाले। अच्छे चुनी खबर उन खराबे के खानदान से हूँ, सर फिरे वाले जम्बिये का दामाद हूँ, सुबह नाश्ते से लेके डिनर तक खाली खूनी कोरोना, घर में 100 कत्ल करके गए तो अम्मा खाने को देते। वो एक एक वर्ड को लेके मैं उसको तस्बीह की तरह लंबा कर दिया। अच्छा,
उसको बहुत लंबा करा, वो मैंने अपने दिल से डायलॉग बनाया। अच्छा। जो शायद ही मैं समझता हूँ वन ऑफ द ओनली वन डायलॉग है जो एक ही डायलॉग से आज मैं, जो भी चार लोग मुझे जानते हैं तो वो अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म फजल है। तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ सियासत टीवी के ज़रिए, अब ज़रा कान खोल के गौर से सुन लीजिए, अब मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो मैं जॉब करता था होटल प्रिंस में जी, जो मेरे दोस्त की होटल थी। तौफीक मेरे क्लासमेट हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। हाँ। मेरे घर के बाजू की दीवार उनकी। अच्छा। तो अरे भाई तू क्या कर रहा भाई, ये कई को तो भी ये सब झगड़े लड़ाया, ये खले में क्या कर ले रहा, मतलब आप बचपन से। हाँ। लड़ाई झगड़े जी में जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, वो होना, अब वो लड़ाई झगड़ा ऐसा होना कि कोई घूरे तो भी कहीं को घूरा बोल के लड़ता था। अच्छा। अगर लड़ाई नहीं हुई तो प्रॉब्लम, अरे आज लड़ाई नहीं हुई यार क्या करेंगे। तो बहुत सारे बस्ती भी तंग हो गई थी, सब सारे चीज़ें ऐसे हो गई थी, अल्लाह ताला कब क्या मोड़ देने वाला था नहीं मालूम। तो मैं वहाँ जॉब करना स्टार्ट किया। अच्छा। तो अजीज़ नासिर से मेरी एक मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। अच्छा। मैं समझता हूँ आज से 17 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 17 ईयर्स ओल्ड। तो वो हुई थी हमारी मुलाकात गोलकुंडे किले में, जब अजीज़ नासिर जो अंग्रेज़ फिल्म के जहांगीर हैं जी जी, तो अंग्रेज़ नहीं आने से पहले की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने भी मिमिक्री करते थे। हाँ, मिमिक्री, तो बहुत अच्छे मिमिक्री, हाँ, आर्टिस्ट, बहुत ज़बरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट। हाँ। मैं उनका फ़ैन हो गया था। अच्छा। अरे बोला भाई क्या अमिताभ की आवाज़ निकाल रहे हुए, तो वाह वाह वाह। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरा परफॉर्म सुने नहीं थे, तो मैं बोला भाई हमारे बस्ती वाले मेरे को बोले भाई भाई इनका भी परफॉर्म सुनो आप। तो इत्तेफाक की बात मैं स्टेज पे गया, जाके अपना पहला डायलॉग बोलते अजीज नासिर साहब शॉक, बोले भाई क्या है ये। और वो बंदा बिल्कुल नए चीज़ को इंकरेजमेंट करना और किसी को आगे बढ़ाना, बोले किसी के पास टैलेंट हो तो वो अजीज नासिर से सीखना। तो मेरे को बोले नहीं, मैं बोला भाई ये फिल्म वालों में कहाँ से करता हूँ भाई, सब क्या बात ना करो, फिल्मों में लेते भी हम करते भी, अरे जानदार चलो रहन दो, बोल के मैं क्या करा टेक्निकली लाइट ले लिया। तो उसके बाद 2 महीने के बाद निखिल कुंडा साहब जो अंग्रेज फिल्म के डायरेक्टर है उनको लेके मेरे घर पे आए। अच्छा। गोलकुंडा किला कौन, अजीज नासिर। देखिए टैलेंट कहाँ से कहाँ खींच के लाता है जो इंसान के पास आज जो टैलेंट होता है। तो वो घर पे आए जानी भाई, आने के बाद निखिल कुंडा साहब से हम लोग मिले, तो आज भी अजीज नासिर साहब याद रखते क्या चाय पिलाए थे, और तुम तो इतनी खतरनाक चाय किले की एक पिलाया था मैं इनको, वो एक असरा होटल बोल के थी वहाँ पिए थे हम लोग। तो वहीं डायलॉग सुनाया तो निखिल कुंडा बहुत इंप्रेस हुए, बोले अरे भाई तुम हमारी फिल्म में काम। मैं घर में मैं बोला विदाउट परमिशन में कैसा, मतलब फिल्म में काम करो तो सबको मालूम होगा, एक बार वाली साहब को पूछेंगे, क्योंकि वाली साहब हमारे बिल्कुल नमाजी परहेजगार, बिल्कुल पावन आदमी, और दादा 35 साल मस्जिद की खिदमत करे, इंतकाल भी मस्जिद में हुआ और दफनाए भी मस्जिद में उनको, बिल्कुल। तो वाली साहब भी बिल्कुल एक अल्लाह वाली इंसान और मेरा परहेजगार आदमी। हाँ, जमात में जाके आगे बाबा टीवी फोड़ दिया हमारे। अब अच्छा। वो घर में एक्टर निकलना बड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे को। अच्छा। तो मैं क्या करा, मैं हमारे वालदा को बोला ऐसा साहब मेरे को एक फिल्म में चांस मिल रहा, तो हमें भी बोला हाँ फिल्म में मिलता तू जाता जा रहे भैया बोल के बोले। तो मैं बोला सही भी जी मैं फिल्म में करता हूँ, ना कोई जरूरत नहीं है, बाबा को मालूम हुआ तो घर से मार के हकाल देते बोले। मैं बोला चलो ठीक है, नहीं मैं बोल दिया अजीज नासिर को जानी भाई कि मेरे से नहीं होता, नहीं होता। मैं नहीं कर सकता, नहीं देख लो सोचो तुम बहुत अच्छा आपको मौका है वो है ये है, कौन आता है यारो बोलो यारो समझो यारो बोल के बेचारे अजीज नासिर साहब 2 बार बोले। तो खैर मैं थोड़ा अलग उसमें था और मैं घर के इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर सका, ये राज की बात है। क्या भाई कल शादी में नहीं आए? माफी चाहता हूँ क्या, कल जरा तबीयत ठीक नहीं थी। भाई आप भूल गए क्या, कल अपन दूसरे वाली में थे, भाई वाली में की दावत नहीं छोड़ते, खींच रहे थी बोल के। उसके बाद अंग्रेज फिल्म आई। अच्छा। अंग्रेज फिल्म आने के बाद फिर मेरी अजीज नासिर से मुलाकात हुई आर के मामा की ऑफिस पे, पहली बार मेरे को एक बंजर हिल्स पे बुलाए, मामा थे वहाँ पर जी। मामा से इंट्रोड्यूस कराया और बोले भाई ये मामा एक बार इनका डायलॉग सुनो। अच्छा। तो जब मैं ये डायलॉग बोला तो मामा बहुत खुश हो गए, खुश होकर बोले हैदराबाद नवाब में एक बर्थडे सीन है, उसमें ये बर्थडे से पहले इंटरटेनमेंट इनका डायलॉग रखेंगे, उधर कुछ शायरी बोल लेते रहते, क्या हो रहा रे उधर, क्या तो भी हो रहा है, कुछ नहीं मामा अपना नाम सुना रहा था, अबा क्या नाम है रे तेरा। तो जब मैं अपने स्टाइल में, जब खून खराब के खानदान से वो नहीं बनाया था मैं, अच्छा वो बाद में ऐड करा इसको, इसको बोले नहीं थोड़ा और कुछ लंबा करो, ये सॉलिड पहले अकबर बिन तबर था मेरा, अकबर बिन तबर खुदा ले चचों की खबर चाहिए था, यही से था स्टार्ट, बहुत लंबा था, खून खराब है बाद में ऐड करा। तो एक मर्तबा हमारे नाज़रीन को वो डायलॉग फिर से जरूर, जरूर, जरूर। क्योंकि लाइवली हम सुनेंगे अकबर बिन तबर का, शॉर्टली बोलता हूँ क्योंकि बहुत लंबा है डायलॉग।
उतना टाइम भी कम है, तो हिसाब से क्योंकि सियासत के व्यूवर्स बहुत इंटरटेनमेंट लेते हैं माशाल्लाह। खून खराबे के ख़ानदान से हूँ, सर फिरे वाले जंबिया का दामाद हूँ, सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक खाली मेरे को खून ही खून होना, घर में सौ कत्ल करके गए तो अम्मा खाने को देते, बाबा खाली रात तमाम तलवारों को तेज करते रहते। मेरा नाम है अकबर बिन तबर, खुदा ले अच्छे अच्छों की खबर, 6 जख्मी और 5 मर्डर, फिर भी यार खान सियासत टीवी पे केबी जाने के साथ इधर, क्या बात है। थैंक यू। तो ये मेरा, मैं आज आपको एक राज की बात यही बोलना चाह रहा हूँ कि हर कोई बहुत स्ट्रगल करता है इंडस्ट्री में, तो ऐसे 50 मूवीज ऐसे नहीं हो गए जी, बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करे। तो मैं थैंक्स करना चाह रहा हूँ अजीज़ नासिर को, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपके भी अच्छे दोस्त हैं, हमारे भी अच्छे दोस्त तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों का तभी भी हम जब मिलते हैं तो हम दोनों एक जिस्म दो जान हो जाते हैं, क्या बात, क्योंकि वो पुरानी हमारी एक बॉन्डिंग है दोनों की, तो वैसा मिलनसार है हम दोनों का माशाल्लाह। जैसे गुल्लू भाई के साथ भी मेरा ऐसा है, तौफीक भाई के साथ भी है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में, जैसे आरके मामा से हर कोई बात करने चमकते थोड़ा रहे भाई गुस्से वाले, आरके मामा वैसे नहीं है, आरके मामा दिल के भी पाक आदमी है वो, तो उनके साथ भी मैं उनकी आवाज़ में भी कॉमेडी करता हूँ, काय मियां किधर है, तो मतलब एक हमारी इंडस्ट्री, एक हमारी फैमिली है के जानी साहब, जो हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। जैसे कि गुल्लू दादा है, एक फिल्म अगर निकली समझो आरी साहब, अब उसमें ढूंढने का रहा था किसको क्या क्या कैरेक्टर है, ऐसा ऐसा, अरे भाई आपको ये आपको ये, सब मिलके करते हैं। तो थैंक्स टू अजीज़ नासिर साहब, तो ये कहानी यही थी मेरी पर्सनल, कि मैं इंडस्ट्री में आने का राज और ये मेरे डायलॉग का राज यही था। इसके पीछे मामा का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मामा ही पिक्चर बनाए थे और मामा ने मेरे को मौका दिया। आप पहले बोले तो क्या बोलू, पहले बोले तो बिल्ली शेर कैट बोले तो शेर था, शेर शेर मेरे को वो शेर होना साहब, वो शेर होना। जैसा गुल्लू दादा को आरके भाई ने, मामा ने मौका दिया था FM में, तो वैसे ही मेरे को हैदराबाद नाम में भी अजीज नासिर साहब लेके गए, अप्रोच कराए और मामा ने मौका दिया, मामा बोले नहीं अजीज ये करेंगे, तो वहाँ से मेरा सिलसिला आगे बढ़ा। मगर आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो मेहनत करें शायद ही आज वो मेहनत कोई नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है, हैदराबाद नवाब में मेरी पोस्टर में भी फोटो नहीं थी उस टाइम पे जी, फर्स्ट मूवी पहली फिल्म थी वो। पहली फिल्म थी, फर्स्ट मूवी, पेट्रोल का कन्वेज मिल रहा खाली, कोई जानता नहीं कोई पहचानता नहीं, 300 रुपीस बाइक पे आ रहे हैं मूवी में जा रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, एक जुनून शूटिंग कर रहे हैं, मगर पोस्टर्स में ऐसा लगाता था, आप यकीन करिए ऐसा लगाता था मैं सिर्फ ये अपना काम है, मैं गली गली कूचा कूचा हर जगह मैं पोस्टर्स लगाना, फिर FM की पब्लिसिटी में मैं और अजीज़ नासिर एक महीना पूरा टूर पे थे हम लोग, एक महीना निज़ामबाद, बोधन, जालना, परवनी, औरंगाबाद, शोलापुर, उमरगा, गुलबर्गा, करनूल, रायचूर, बेंगलुरु, पूरा हर जगह एक महीना हम लोग घर से निकले, उनके पास एक इंडिका गाड़ी थी जब अजीज़ अच्छा। नासिर के पास हैदराबाद नवाब के पास वो गाड़ी का हमने नाम रखे थे शेरा। अच्छा, तो शेरा में मैं और एक मेरा एक और एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया में खेले गोलकुंडे का, मोइस बोल के, अच्छा शेख मोइस, वो भी बंदा मेरे साथ में था, आज इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो बंदा भी साथ में था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम लोग पोस्टर लगाते थे, तो मेरे को नींद आती थी रात में, नींद आ रही, सुबह सुबह हो रही, फजर फजर का टाइम हो रहा, मैं बोला भाई सो जाएंगे जी कब तक लगाएंगे, बोले तो अजीज़ नासिर का एक अल्फाज था उस टाइम पे, तबर तुम आज ये पोस्टर लगा रहे, अल्लाह तुम्हारे को इतनी शोहरत देगा तुम्हारे को अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, और वाकई वो शोहरत मेरे को अल्लाह ताला ने आज दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उसका शुक्र बहुत बड़ा शुक्र गुजार हूँ परवरदिगार का, बहुत बड़ा, कि आज छोटे बच्चे से लेके बड़े नौजवान बूढ़े हमारे माँ बहनें जितने हैं हर कोई आज मेरा फेस देखते मेरे को पहले उनके मुंह से मुस्कुराहट निकलती, वो बाकी के सब बात के बात हैं पहले तो मुस्कुराहट निकलती, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बेशक वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जानी भाई। तो आज मैं खुश नसीब हूँ कि मैं एक हैदराबाद का एक्टर हूँ जो मेरे को काफ़ी लोग दूर दूर के लोग पसंद करते हैं, जैसे कि मेरा इंडस्ट्री से हट के भी मेरा मतलब दूसरा भी कारोबार है, दूसरे भी बिजनेस है, और अलग अलग आंध्रा के काम करते हैं, बिल्कुल जी आंध्रा के हैं, मेरे कर्नाटक में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मतलब हर मेरा बोलने का मतलब ये है कि साइकिल वाले से लेके आज
खुद जो प्लेन रखता ना वहां तक की मेरी दोस्ती है और इक्वल है, वो लग के साथ भी वैसी हूँ, वो लग के साथ भी वैसी हूँ, यही मेरी खास खूबी है, यही मेरा नेचर है। वाह क्या बस बात। मैं एक ही चीज समझता हूँ कि इंसान सिर्फ इंसान है, उन्होंने 50,000 करोड़ का आदमी होगा अपने को मतलब नहीं है, प्यार दो और प्यार लो, हमारा किस्सा वैसी है, हमारा फंडा वही है। तो इसके लिए एक नया डायलॉग सुनाता हूँ, हमारी जिंदगी का तो एक ही फंडा है, मर गया तो माफ वरना 15 भी साफ। अरे क्या बात है जी। अकबर बिन तबर से और भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे हम कॉमेडी आइटम्स भी सुनेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube और Facebook पर आप सियासत टीवी का रास्ट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। YouTube पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम इस्तकबाल करेंगे प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में। हम बात कर रहे हैं अकबर बिन तबर से। तबर साहब, ये बताइए कि आप हैदराबादी मूवीज़ करते हैं जी, और फिर टॉलीवुड में ख़त्म रखा आपने, जबकि आपको तेलुगु आती है, ये कितनी आती है, आप किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि आप हैदराबादी फिल्मों में तो काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा हिट हो गए हैं जी। तेलुगु से तो हम बहुत दूर दूर तक वास्ता हमारा नहीं था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम किला गोलकुंडे के, और वहाँ पर भी हमारे हिंदू भाई हमारे से उर्दू में ही बात करते, आया रो अब क्या बात करो, मैं एकड़ा किधर बोलूँ। तो वहाँ पे कन्फ्यूजिंग ये था हमारा कि हमको तेलुगु बहुत कम आती थी, फिर भी एक जुनून इंसान को हर चीज़ सिखा देता। क्या बात है, फिक्र जिफ्तदू जो बोलते हैं ना, वो चीज़ हर लैंग्वेज सिखा देती, जब अगर आपको वो चीज़ का दर्द होना चाहिए, ये हमको करना है, ये टारगेट है हमारी लाइफ का, ये हमको सीखना है, तो ही सीख सकते हैं आप, नहीं तो नहीं सीख सकते। बहुत जबरदस्त। तो उसके डायरेक्टर थे, एक पिक्चर किया था हमें पैसा, पैसा जी हाँ, जिसमें जो बहुत ज़्यादा मकबूल है हीरो हमारे नानी, नानी जो ईगा मूवी, जो मक्खी के वो मूवी, बहुत सारे मूवीज़ किए हैं वहाँ के, अभी तेलुगु के सुपरस्टार के करीब आ चुके हैं नानी साहब। जो मेरे साथ में ऑलमोस्ट मैं उन्होंने मिलकर 48 डेज काम किया। अच्छा। दुबई और मलेशिया में इसकी शूटिंग चली। पैसा लेकपोते इनकेम ले अधूरा इनकेम अधूरा हां ओला ये दुनिया में जो भी है पैसा तरवाते नहीं करेक्ट। तो तेलुगु मेरे को नहीं आता था जी, तो मैं पढ़ के तेलुगु को बोला, और डबिंग मेरी ओन है पहली बात तो, बहुत बड़ी बात, और मैं इसमें थोड़ी तेलुगु और थोड़ी हिंदी बोला, हिंदी में। अच्छा, तो तेलुगु ऐसा मैनेज करके मैं तेलुगु भी किया हूँ, और खुशी की ये बात है कि भोजपुरी। हाँ बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रहा था कि आप एक फिल्म भोजपुरी भी कर चुके हैं। फिल्म का नाम है जय वीरू, जय वीरू। प्रोड्यूसर हमारे हैदराबाद के नासिर जमाल साहब एंड मांटो भाई, जो हैदराबादी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी मांटो है। भाई है, दिनेश लाल यादव, ये एक भोजपुरी सुपरस्टार है बिल्कुल, जो अभी अभी अभिनेता के लिए कुछ खड़े थे उन्होंने, तो उनके साथ में काफ़ी अच्छा और काम शायद है। उसमें मस्त अली भी है, सलीम फेकू साहब, जो सलीम फेकू और दिनेश लाल यादव दोनों दो हीरो हैं उसमें। मेरा एक कॉमेडी प्ले है उसमें। अच्छा। जो बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल अलग, तो लैंग्वेज टोटल डिफरेंट। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा अगर हैदराबादी लैंग्वेज हो नक्को चल जा भाई, वो आप बोलते ना वो जिप बोल के मारा घिप बोल के लगना घुसूँ क्या, तो वो खिस्सा अलग है, ये खिस्सा अलग है। यहाँ पे की बा, अरे मतलब ये क्या बोल रहा भाई, वो पहला डायलॉग था उसमें, डायलॉग ये था उसमें, आर के मामा भी है जी जी। तो आर के मामा के बहने रहती है, ये पिक्चर रिलीज हो गई बल्कि स्टोरी बोल रहा हूँ मैं जी जी। उसमें डायलॉग क्या था, अभी देखिए मैं मज़े की बात ये बताता हूँ, कॉमेडी की बात। तो अब हमको आती नहीं भोजपुरी, अब वो डायरेक्टर बोलते गए भोजपुरी बोलो, अब भोजपुरी कैसा बोल रहा जी। तो उसमें अब मैं आपको हिंदी में सुनाता हूँ डायलॉग, उसके बाद भोजपुरी में बोलता हूँ। हिंदी में ये है कि तुम्हारी बहन के साथ में तुम्हारे पैसे खर्चा करके लड़कियों को नचा के तुम्हारी बहनों के साथ रोमांस कर रहा हूँ उन्हें, क्या आप बेवकूफ़ बन रहे जी, तुम कहीं की ज़िंदगी गुजार रहे, इतने बड़े आदमी रह के इतना पैसा रख के भी बेकार है। तो उसको भोजपुरी में बोलना, अब बोला अम्मा आप ये बोलना ही, हाँ बोलना ही बाजरा दिए, बोले क्या करना, हाँ जिफ्त दो
फिकर बता देती साहब, तरवा पैसा से दारू पी के, तरवा पैसा से लड़की को नचा के, तरवा बहन के सर रोमांस करी, ई देखिए साले कोकर को की बा, क्या बात, थारो बेटी मारो बेटे से प्यार किया, तेरा का कसूर हुआ रे बबुआ, साला बेटे साला कर हमारे बदे ना चीर डाले तो है। अरे बोला अम्मा क्या बात है, भोजपुरी भोजपुरी जबरदस्त। मैं बोला ये भोजपुरी बोलते सिर्फ ओमपुरी नहीं तो अमरीशपुरी, अमरीशपुरी। तो खैर बहुत अच्छा रहा सफर, डायरेक्टर सुब्बा राव साहब बहुत अच्छे इंसान है, तो एक नया एक नई चीज, हाँ नई चीज सामने आई थी और आपने वो चैलेंज को कबूल किया और भोजपुरी करा भाई करा और ऑल सेटिस्फाई पूरे मेरे काम से डायरेक्टर। इसकी वजह ये भी है कि आप स्टेज पे जो परफॉर्म करते हैं लाजवाब, अरे वो एक आइटम सुना दीजिए हमारे कम। नहीं नहीं फिर भी स्टेज की दुनिया तक मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोग एक जमाने से कर रहे हैं, हम मैं आपको अपना उस्ताद मानता हूँ उस मामले में, तो स्टेज के मामले में तो जो हकीकत है वो नाजरीन को बताना वो जरूरी है, क्योंकि टीवी चैनल एक ऐसी चीज होती है जहाँ पर फेक आपको नहीं बताया जाता है, बिल्कुल मेन वही है। तो मैं अपने नाजरीन को यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं दिल खोल के बैठा हुआ हूँ, तो हर चीज दिल खोल के बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। तो हो जाए एक बेहतरीन आइटम। देखिए स्टेज की दुनिया का मैं मतलब कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, आइटम्स मेरे पास पहले से भी है थोड़े, जखीरा आपके पास बहुत है, बहुत है। और मैं खास खूबी मेरी ये है कि मैं इस पार्ट पे कोई सीन बन जाता है। देखिए हमारे साथ एक सीन बन गया था, मैं वही आपको सुना रहा हूँ जंपर का, कि तेलुगु में मूवी कर रहा था तो वो बंदा मेरे को समझ रहा क्रिश्चियन, अच्छा उन्हें मेरे को मुस्लिम नहीं समझा। तो मैं फ्राइडे था, नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, मेरे पास जब शिफ्ट थी तो मैं टोपी भी निकाल के रख, क्या भैया आप अल्लामा का आदमी है क्या? उन्हें आंध्रा का है, प्योर आंध्रा, इसको हिंदी का वर्ड नहीं आता। मैं बोला अल्लामा के आदमी क्या बोल रहा भाई ने, अच्छा मुस्लिम है तो बोल रहा शायद। मैं बोला हाँ मैं अल्लामा के आदमी, मेरे को मालूम है माई देख के आप टोपी पहन का आ रहा था, माई देख है अल्लाह अल्लाह करके आया। मैं बोला हाँ करके आ रहे, उसको जैसा मैनेज करना ही करो। तो उन्हें मेरे को ये बात बोला कि भाई उसको हिंदी का वर्ड नहीं आता। देखिए ये आइटम कैसा बनता है, कॉमेडी कैसे ट्रैक पे लेके आती है, कैसी बन जाती है, कॉमेडी को बनाने के लिए रास्ते ढूंढना पड़ता है, और रास्ते जैसे आप जैसे दो लोग मिले तो और भी बन जाती है। तो उन्हें बोला मैं हिंदी गाना गाता हूँ। अच्छा वो हिंदी, बोला इसको हिंदी नहीं आती, हिंदी गाना गाते, ए भाई हमें गाते माई कैसा कैसा गाते मालूम है, अब्बा माई गाय तो तूफान आंधी जमीन फट जाते, मेरे गाने में इतनी ताकत है, मेरे गाने में रू ऐसे उठ के बोलते है वाह 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 वाह, रू क्लैप्स मारता रू मारता ऐसे दिखता नहीं है, वैसा गाते। मतलब कब गाते, गाते ठहरो मैं मेरे गाने में ठहरे हुए, अच्छा ठहरो, हाँ ठहरे हुए, मेरा गाना मीनिंग रहते, क्यों गा रहा मैं, किस वजह से गा रहा मैं, क्या रहते गाने में मीनिंग्स क्या है, मैं क्यों गा रहे, कई को गा रहे, वो मीनिंग्स रहते, वो उसमें एक जंपर रहते हैं, क्या जंपर, ऐसा जंपर रहता ऐसा कच, ये ऐसा ऐसा चोट तो नहीं है पकड़ लेता, ये जंपर है, ये जंपर वो चोटते नहीं है, वो मैं वैसा कर फेमिकॉल भी काम नहीं करते, आप 1 kg फेवी क्विक मेकर डाल देना तो भी नहीं छोड़ते, मेरा जंपर वही से गट रही थी गाने में, हाँ मीनिंग्स रही थे। मैं कब सुना था, मैं सुनाते कही रहो, मैं एमडी रफी के गाते, क्या एमडी रफी, अच्छा मैं बोला मोहम्मद रफी साहब को बोल रहा, अच्छा। फिर क्या किशोर साहब को खाली के बोलता क्या पूछा मैं। तो बहरहाल तो गाना स्टार्ट किया बंदा, मैं बोला गाओ सुनाओ, ये दुनिया माई पिल रे माई पिल, अच्छा। मैं बोला क्या माई पिल, क्या माई पिल, ये दुनिया ये माई पिल, हमारा काम करना है, ये मीनिंग रहते ये दुनिया है हमारा काम करना है, हम सबको बताए गाने में वो मीनिंग रही ना, ये दुनिया ये माई पिल हमारा काम करना ही है, किसको सुनाई आले दिले बेकरार के बुस्ते चराग रहे हमारा मजार के, ये जंपर रहे। ये रोक दिया है, ये जंपर रोक के इसके लिए इसके मीनिंग समझो रे,
ये दुनिया ये माई पिल। अभी और एक जंपर मेरे पास रही थे, वो सुनो जाने भाई, बहुत अलग जंपर रही वो, अलग जंपर, डबल जंपर बोलते इसको। अच्छा, बहुत प्यार करते तुमको जन्म। अरे मैं बोला जन्म नहीं है रे, सनम है भाई, ऐसा नहीं है। और आईते जी लिखने में अलग अलग लिखते, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पर जंपर देखो पहले, बहुत प्यार करते हैं तुमको जन्म, कचम चाहे ले लो भगवान कचम। अरे मेरा दीवाने, वो खुदा की कसम है, भगवान कसम है भाई, आप टोपी पे आए ना, वो आपके लिए खुदा है, हमारे लिए भगवान है। मैं बोला ऐसे मैं हिंदू है तो मेरे लिए भगवान है, आपके लिए खुदा है। अगर ये दोनों का एक जगह हो जाते हैं हिंदुस्तान में झगड़े नहीं होते, ये अलग जंपर है। अच्छा, वो समझ नहीं है भैया, वही से जंपर रही थे मेरे गाने में। मैं बोला और क्या गाते तुम? हाँ भैया, और एक बात नहीं बोलना है फिर भी आपको बोलो, बोलता बोलता हूँ। मतलब क्या बोल? मतलब गजल भी आते हाँ, गजल। अच्छा, अरे मतलब ये क्या कर रहा हो? क्या रही थे गजल में? एक डब्बा रही थी पेटी, बाजू दो रही थे चमड़ा का, एक पाउडर का पॉन्ड्स का डब्बा, गीप गीप डाले तड़ तड़ मारे, ये लिए टीं 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 हिलाए, बस शाल डाल लेके बैठे सब ला के देता पैसे, पब्लिक वो भी रेस्पेक्ट करके ला के देते, भाई ऐसे लीजिए ऐसे ला के देते। अब वो नोट को देख के आवाज निकलते। अच्छा, 10 का डाले तो थोड़ा कम है, 25 का डाले तो ज्यादा निकलते है। अगर कोई 500 का डाले तो मैं उठ के गाते, उठ के टहर के गाते। तो मैं वैसे जंपर रहते मेरे पास, दौलत ले लो शौहरत ले लो, दौलत ले लो शौहरत ले लो, भला चीन लो अमर जवानी। क्या बात है? जो लिए सो देव रे, पहले देव इधर, वो रही थे मेरे। वो कागज कष्टी बारिश पानी बाइक जा रहा बचपन कहानी वो सब नहीं है, प्रेजेंट क्या है वो देखने, बीवी बच्चे भैया चार बच्चे स्कूल को विजय तक पढ़ जे रहे, मेरा दुनिया के टेंशन है, वो पुराने किस्से बूटी नानी, हम क्या करेंगे? वो पैसे वाले लोगों के लिए भैया, वो रिटायर होके वजीफा आते 40,000-50,000 वजीफा करते भैया, ऐसा कैसा रह रहे? क्या बात है, सुकून से बैठ के वो नानी को याद कर ले, नानी को याद कर ले के वो पूरा जंपर रहते वो लोग का, सुकून से बैठ के वो गजल सुनने का रहता, रिटायर के बाद का गजल है, उससे पहले गाना रहते माए वो गाते मेरा जंपर ऐसे। जबरदस्त जबरदस्त नाज़रीन, देखा आपने इतना जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, ये मैं समझता हूँ फिल्मी दुनिया के अकलौते आर्टिस्ट है जो स्टेज पर भी अंगार बारूद बिछा देते हैं और धूम मचा देते हैं। मैं बोला जानिए आपसे कम नहीं, नहीं ये अलग बात है, लेकिन आपका माशाल्लाह, क्योंकि देखिए आप दो कश्ती में सवार होके निकल रहे हैं, एक तो फिल्मी दुनिया है, दूसरा है स्टेज। अल्लाह महफूज रखे वो कश्ती को हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अकबर बिन तबर का इन दिनों बॉलीवुड के जो कॉमेडी किंग है जॉनी लीवर से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मरासिम है, और वो खुद भी मुतासिर है हमारे अकबर बिन तबर की कॉमेडी से। थोड़ा सा बताइए जॉनी लीवर साहब के बारे में कि आपके जो ताल्लुकात बने हैं। जानी भाई से मेरी फर्स्ट मुलाकात 2013 में हुई थी जी, जैसा बोलते हैं ना एक यूजुअली कैजुअली मुलाकात, जैसे कि उसके पीछे भी एक राज है जो हमारे हैदराबाद के इंडस्ट्री के कॉमेडी किंग हामिद कमाल साहब जी, तो वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छी मुलाकात है, दोस्त हैं, इंकरेजमेंट करते हैं। तो हामिद कमाल साहब मेरे को जॉनी लीवर साहब से मिले थे। ओके, तो जॉनी लीवर साहब के साथ मैं जब फर्स्ट टाइम फ़ोन पर बात किया था जॉनी लीवर से, मतलब कोई आप एक्टर को देखते हैं तो बोलते थे वो कभी, अरे भाई एक बार मिला नहीं था मगर फ़ोन पे बात हुई थी, तो वैसा जॉनी लीवर साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। और वो बात कराने वाले रूफ़ी नवाब साहब, हमारे रूफ़ी भाई काची हुआ जो जॉनी लीवर साहब के वेरी क्लोज फ्रेंड, एक 40 ईयर्स होगा, तो उनके घर पर लास्ट टाइम एक वीडियो भी हम डाले थे, तो रूफ़ी भाई बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे को भी वो ज़्यादा लाइक करते, तो जॉनी लीवर साहब मेरी नेचर को देख के वो ज़्यादा पसंद किया। तो वो तो खैर टैलेंट का भंडार है उनके पास, वो तो बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं, वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, मगर उन्होंने भी मतलब सुनते हैं, चलो अकबर आज कुछ सुनाओ, और मैं अगर सुना तो उनको शुरुआत अब वाम अप आ जाते हैं ना फुर्ती रहे, अब अंदर का उनका बोलता चलो जानी तू भी कुछ सुना, तो अब उन्होंने भी शुरू हुआ था आहिस्ता मारना, आहिस्ता मारने से निकलेगा नहीं, अपना समझ के मारना, अपना नहीं
बहुत अच्छे इंसान है जानी भाई, बहुत प्यारे इंसान है, अल्लाह उनको सलामत रखे, और बहुत दयालु इंसान है वो, मैं जैसा जानता हूँ उनको, और कभी इनकार नहीं करते कोई चीज़ को। देखिए लास्ट टाइम हैदराबाद नवाब 2 जो हमारी अब रिलीज़ होने वाली है, तो मैंने उनके लिए एक बोला था कि भाई बाइट दीजिए आप, बिंदास अकबर आया हूँ प्लीज़। क्या बात, मेरी एक होटल है ना टोली चौकी पे, जा जा। होटल के लिए बोल दिए, मतलब जानी भाई वो रमज़ान में हम सहरी का करें। तबर साहब ये बोलिए कि जब आपके इतने अच्छे मरासिम हो गए, इतने अच्छे ताल्लुक हो गए, तो क्या जॉनी लीवर साहब के ज़रिए आप बॉलीवुड पहुँच पाएंगे? पहुँच गए। अच्छा, बस तो थोड़ा सा डिटेल बताइए। कुछ तो एक सरप्राइज हैदराबाद के लिए रखेंगे ना। अच्छा, हर चीज दे दे कि क्या कर, रोड पे आ जाओ। हो रहा क्या भाई, आप थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। नाज़रीन को यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग माँ बहने सब मिलकर हमारे लिए दुआ करिए, हैदराबाद इंडस्ट्री के लिए दुआ करिए, खासतौर पर गुल्लू भाई के लिए भी दुआ करिए, अजीज नासिर सलीम फेकू जितने आर्टिस्ट हैं हमारे हैदराबाद के, सबके लिए दुआ करिए। बेटी बचाओ उसमें भी मैं काम किया हूँ, उसमें भी एक ऐसे कॉमेडी अच्छा एक ट्रैक मेरा रहा है। रिसेंट एक पिक्चर है माँ का लाड़ला, उसमें तो बहुत धूम मचाया आपने। जी हाँ, तो एक मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा हूँ मैं आजकल, वैरायटी अलग अलग। पहले मतलब भड़बड़ बोल दिए, डायलॉग बोल दिए, वो बोल दिए, अभी मतलब थोड़ा एक अलग अलग अंदाज में। इसमें मैं भिखारी का कैरेक्टर करा, जो भिखारियों का मैं सरदार रहता हूँ। किस तरीके से पैसे मंगना है वो बताता हूँ, पहली तारीख को क्या करना, अब 28 तारीख को बेचारे के पास कुछ भी पैसे नहीं रहते तो कैसा मंगना, हाथ आप पूरे टेढ़े कर देना, आँखें में निकाल के ना दस्तावेज देना। तो बहुत अलग अलग स्टाइल में मैं मतलब वो किया हूँ। बहुत अच्छी मूवी है, फारूक ने बहुत, हमारे जो फारूक भाई हैं उसके खालिद भाई प्रोड्यूसर है, तो वो भी फेरोज़ भाई भी इसमें अच्छा काम किया, गुल्लू भाई वगैरह। तो आप भी, आप भी तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, और के बी जानी साहब का मैं खैर ये चैनल पे अगर बोलूँगा तो लोग गलत समझेंगे, मगर हकीकत तो मैं आज मैं बोला कि मैं बता के ही रहूँगा। के बी जानी साहब दिल के बहुत बढ़िया इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक अच्छे परफॉर्मर और एक अच्छे आर्टिस्ट है, और एक अच्छे आर्टिस्ट है माशाल्लाह। बेरोज़गार से पहले मूवीज़ करते हुए आ रहे हैं। मैं समझता हूँ के बी जानी साहब के साथ मैं भी एक 10 या 12 कोई मूवीज़ किया हूँ, तो बहुत सारा हमारा साथ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहरहाल तबर साहब के साथ जो हमने सीन किया था दुबई रिटर्न्स। तू करम्बा बोल, रम्बा बोल या खम्बा बोल, मेरी बीवी मेरे को परमिशन नहीं दे रही। देख रहा है प्याज की डल्ली? हाँ 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 जी जी जी, अपन इत्तेफाक से अपन सऊदी से आए। हाँ बिल्कुल, हम लोग सऊदी में थे, अपन सऊदी में थे। बहुत सारी फिल्में आपके साथ हमने की है और शायद हमारे नाज़रीन भी जानते हैं। ऐसा डर के छुप के बैठे तो नहीं होता, एक टेररिस्ट को मारना पड़ता प्रमोशन आना बोले तो। 301 वाली वो भी खत्म हो गई ना रे। तेरे से कुछ नहीं होता बाप, अब मेरे को कुछ करना पड़ता। आने वाली फिल्मों के बारे में बताइए, क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और भी बहुत सारी बातें हम किसी और एपिसोड में करेंगे, लेकिन अभी आने वाली फिल्मों के बारे में। आने वाली फिल्में तो यही है, खोटे सिक्के भी एक पिक्चर आ रही है, जो गुल्लू भाई के बेटे शाहरुख उसमें एज ए लीड किए हैं, और गुल्लू भाई के साथ में मैं साथ में काम किया हूँ, उसमें भी काफ़ी अच्छा काम किया हूँ, और एक ज़बरदस्त हंगामा, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं अभी आने का है, चल रहे हैं, काम तो रुका नहीं है, काम तो चल रहा है, थोड़ा और पब्लिक का सपोर्ट, हर कोई फ़ोन में है और यूट्यूब के ज़रिए आ जा रहा, फेसबुक के ज़रिए ट्रेलर देख ले रहे हैं। थिएटर का मज़ा एक अलग है, वो एक अलग है कि आप थिएटर में बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, साउंड वो ये बहुत सारे चीज़ें आपको यूट्यूब पे थोड़ी मिलेंगे। कुछ मैसेज देंगे जो आने वाले हमारे पास जो टैलेंट है, न्यू टैलेंट, उनके लिए कुछ मैसेज है तो? मैं यही बोलूँगा जितने लोग हैं आने वाले, देखिए पहली बात तो हर किसी की किस्मत हर किसी की एक जैसे नहीं होती, और ये इंडस्ट्री में ख़ास बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी यही सुना रहा था कि मैं बहुत स्ट्रगल करके आया आज, तो हर कोई इंसान स्ट्रगल करने के बाद ही ऊपर वाला उसको राहत देती है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो काम को छोड़ो मत, पहले वो काम को छोड़ो मत, वो काम करते हुए आप अपना टैलेंट बताओ, अगर आपको इसमें सक्सेस मिलती है तो आप तब वो काम छोड़ो, इसको काम को पकड़ो, ये काम की आस में आप जो हाँ इंडस्ट्री के आपका रोज़मर्रा का काम अगर छोड़ के अगर आप इसमें ज्वाइन हो के अगर आप जुनूनली कर रहे हैं तो वो अभी मुश्किल है। तो हर किसी का एक है, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई, टैलेंट आप में कितना भी रहो, सही बात, टैलेंट आप में कितना भी रहो,
इसमें 70% आपके पास टैलेंट है, ठीक है, 80% है, ठीक है, 20% किस्मत बस है। क्या बात, सही। तो नसीब इसके या लिखे हुआ रहता, कि बोलते अपन कहीं जाते थे, अरे भैया खाना था हमारे किस्मत पर लिखा हुआ था, खा लिए। तो वाकई किस्मत की बात हर जगह ज़रूरी है। तो खैर, टैलेंट के साथ साथ किस्मत होना बहुत ज़रूरी है। जी आपका यही कहना है। बहरहाल दोस्तों, आज की ये मुलाकात अकबर बिन तंवर से यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। एक और फनकार के साथ, एक और आर्टिस्ट के साथ फिर से आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में।